हमारे आपको, हम इतने कमजोर भी नहीं कि दुख मनावें, पर हम सरकार में कुछ चीजें सहन करनी पड़े। अगर इसे कोई हमारी कमजोरी समझ रहा हो तो ऐसा समझना, जो खून उनमें वो ही खून हमारे में, संभाल लें अपने आप को बेहतर रहेगा। बाकी उनकी इच्छा, कप्तान बैठे हैं, हम सब बैठे, जितना गुस्सा थारे में उतना मेरे में, लेकिन शब्दों का चयन ठीक करना पड़े, मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है। कप्तान साहब को कह दिया, आज भी मन तो था कि वहीं जाऊं, जाने के लिए लिखड़ा था, ऊपर से आदेश आया कि नहीं आप आज ना जाऊंगे, नहीं पूरा मन था, फिर जाएंगे। और किसी एक आदमी के कहने से भाजपा यहां ना आओ गांव मनाओ कुछ नहीं होता भाई, और ना इतने बोलते हम छोटे भाई तो दिक्कत मान रहा है, इतने बोलते नहीं, वो तो संवैधानिक मजबूरी सी हो रही, नहीं कोई भी नहीं बोल रहा था यार, कैसी बात कर रहा, हम तो यही नहीं थे, कौन बोल रहा है, और फिर यही नहीं रहेंगे, वही खून है वही इलाका, छोड़ कर नहीं जाने कहीं भी, किसी का बहम हो अपने दिमाग में तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में तट जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे, हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बहुत बढ़िया। आपसे एक निवेदन है, आपसे एक निवेदन है, आप लोगों से एक निवेदन है, समय दे दो, चूंकि हम सत्ता में ना होते तो यही रहते, या मजबूरी समझ लो, कप्तान साहब को कहो जी, वो नहीं कह रहा, वही बैठे सुन रहे, उड़ाना हो या कुछ हो, अगर पुलिस किसी के दबाव में आओगी, दबाव मार पे ज्यादा दबाना हुआ, हमने 2013 के दंगे का दबाव बनाना सीख लिया था, या तो आप लोग मान लेंगे नहीं, हमारे भी वही इसी तरीके पाओगे, रोज हम भी सड़क पर रहेंगे, हमें शोभा देखना थे। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे भी भाई, चूंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो ये भी बैठे रहेंगे, इन्हें कहा हम कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई हम उसकी प्रतीक्षा करें, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई नहीं उससे को पीना चाहिए, समय होगा जब निकाल लेंगे, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, बस यही है। एक बार जी समय पूछ रहा हूं, जी को दे, एक बार भी जी खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, जी खड़े कर दो एक बार।